गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लेसन्स फॉर लाइफ। दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स की लाइफ का मुख्य हिस्सा है। टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक बिजनेस ओनर या फिर कोई जॉब कर रहे हों, हम में से हर किसी को जीवन के किसी न किसी हिस्से में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जब हमें एक भीड़ के सामने बोलने का मौका मिला है। हम में से वो लोग जो पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में अच्छे हैं, उन्होंने ऐसे मौकों पर अच्छा परफॉर्म किया, पर ज्यादातर लोग ऐसे मौके पर फेल हुए हैं। या तो वो अपना नॉलेज ठीक से डिलीवर नहीं कर पाते या फिर परेशानीवश कुछ बोल ही नहीं पाते। आज के इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन से 6 आइडियाज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फिर इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो सवाल यह है, फिर आखिर एक नए वीडियो की जरूरत क्या है? YouTube पर पड़े हुए हजारों वीडियोस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जो भी जानकारी दी गई है वो एक फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मिसाल के लिए, वहां पर भीड़ की साइकोलॉजी को समझना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना और पब्लिक को कैसे काबू में करना है, इन सब के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया गया है। पर हम यहां पर ना ही कोई शोर शराबा, ना ही तेज आवाज और ना ही जल्दी जल्दी बोलना, इन सब से परे हटकर कुछ ऐसा इन डेप्थ नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे जो लंबे समय तक आपकी इस क्वालिटी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। सो रिलैक्स बैठ जाइए और ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो पब्लिक स्पीकिंग में आपकी मदद करने वाली है वो है नॉलेज। ध्यान रखिए, आप अपनी ऑडियंस के साथ में कनेक्ट तभी करते हैं जब आपके पास एक टॉपिक होता है और उस टॉपिक पर आपका नॉलेज होता है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ उस नॉलेज का इन डेप्थ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ समय तक तो अपनी ऑडियंस के साथ बातचीत कर सकते हैं, पर जल्द ही आपकी ऑडियंस को आपकी सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, पब्लिक स्पीकिंग का सबसे पहला नियम है अपने एरिया के बारे में नॉलेज। सो आप जिस भी क्षेत्र के बारे में अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखिए। ये जानकारी आप डिफरेंट मीडिया माध्यम से ले सकते हैं। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, थीसिस रिसर्च पढ़ सकते हैं। जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होगी, आपके पास अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ने के उतने ही ज्यादा तरीके अवेलेबल होंगे। इसलिए ध्यान रखिए, पब्लिक स्पीकिंग का सबसे पहला नियम है कि आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। जो ऑडियंस आपको सुनने आई है वो सिर्फ आपके उस ज्ञान को नहीं चाहती, वो ज्ञान तो उसे सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगा, वो आपसे ये जानना चाहती है कि इस नॉलेज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है। अगर आप किसी को गीता पढ़कर सुनाते हैं तो गीता तो वो YouTube पर भी देख सकता है, वो आपके पास ये जानने आया है कि इस गीता को मैं अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करूंगा। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर होना चाहते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास अवेलेबल है उस नॉलेज को एक आम आदमी आम बोलचाल की भाषा में अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकता है, इस पर जोर दीजिए। नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज नो नॉलेज। इसलिए जो भी नॉलेज आपने गैदर किया है उस नॉलेज के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर ज्यादा फोकस कीजिए। नंबर 3, प्रिपरेशन। एक कहावत है कि अगर मुझे 10 मिनट की स्पीच देनी है तो मुझे तैयारी के लिए 3 दिन चाहिए, लेकिन अगर मुझे 2 घंटे बोलना है तो मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं। आपने बिल्कुल सही सुना, जितनी छोटी स्पीच तैयारी के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें समेटनी है। ध्यान रखिए, किसी भी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट से पहले आपके लिए प्रिपरेशन बेहद जरूरी है। प्रिपरेशन जिसमें आपको ये जानना है कि आप सब्जेक्ट्स कौन सा सेलेक्ट करने जा रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, आपके सामने बैठी हुई ऑडियंस कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है, सोचने समझने की क्षमता में वो किस स्तर पर आती है, क्या वो छोटे बच्चे हैं, क्या वो वयस्क हैं या फिर बूढ़े, इन सब के आधार पर ही आप अपनी स्पीच को तैयार करते हैं। जरा सोचिए, आप एक पब्लिक स्पीकर हैं और आप
12 साल के बच्चों को फाइनेंस की जानकारी देने जा रहे हैं और वहां आप वो लेक्चर डिलीवर करते हैं जो किसी 25 या 30 साल के वयस्क मनुष्य के लिए बना हुआ है। तो क्या बच्चे आपकी फाइनेंस की इस जानकारी को ग्रास्प कर पाएंगे? आंसर है नहीं। वहां पर आपको बच्चों को डेली छोटी सेविंग्स की बातें ही बतानी होंगी। इसीलिए थर्ड नॉलेज है प्रिपरेशन, और इस प्रिपरेशन में नो योर ऑडियंस, जिसे आपको टारगेट करना है। दोस्तों, ये थे 3 ऐसे पॉइंट्स जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जरूरी हैं। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 2 ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें सबसे माहिर पब्लिक स्पीकर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, पर आमतौर पर इन प्रैक्टिसेस को पब्लिक डोमेन में नहीं बताया जाता। इसकी वजह है कि ये प्रैक्टिसेस असल में उनके सीक्रेट्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं। ये ट्रेड सीक्रेट्स आमतौर पर तभी शेयर किए जाते हैं जब या तो आप उनका कोई पेड सेमिनार अटेंड करें या फिर आप उन्हें कुछ पैसा दें। ये दोनों ट्रेड सीक्रेट्स हम आज आपके सामने यहाँ फ्री में डिस्कस करने वाले हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए। आमतौर पर पब्लिक स्पीकर्स को अपने इनिशियल डेज में रेगुलर पब्लिक नहीं मिलती, तो सवाल ये है वो प्रैक्टिस कैसे करें? और इसका जवाब है खुद से बातचीत करके। सबसे पहला नियम है टॉक टू योरसेल्फ। ध्यान रखिए, अगर आप खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी बात खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो सामने बैठी हुई ऑडियंस आपकी बात कभी भी नहीं समझेगी। टॉक टू योरसेल्फ वो पहला सीक्रेट है जिसे हर पब्लिक स्पीकर इस्तेमाल करता है। दिन का आधा घंटा या 1 घंटा निकालिए। इस आधे या 1 घंटे में खुद से बातें कीजिए। भाषा वो चुनिए जिस भाषा में आपको अपनी ऑडियंस के साथ बात करनी है। टॉपिक्स बिल्कुल जनरल, अपने डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स, जैसे मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे किस तरह के लोग पसंद हैं, मेरी फेवरेट बुक क्या है, मुझे कौन से कोट्स पसंद हैं, मेरे डिसलाइक्स क्या हैं, मुझे अपने जीवन में और कैसे बेहतर बनना है। इन टॉपिक्स को लेकर अपने आप से बातचीत कीजिए। जितना ज़्यादा समय आप अपनी बातचीत में खुद के साथ लगाएंगे, आप पाएंगे कि आपके विचारों में क्लैरिटी आती जा रही है। जैसे जैसे आपके विचारों में क्लैरिटी आती जाती है, आप पाएंगे कि जो आइडियाज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, उन आइडियाज़ को ग्रैस्प करने में आपकी ऑडियंस को आसानी होती है। आपने एक स्टैंड अप कॉमेडियन को सुना होगा ये कहते हुए, जो तू बोल रहा है वो तेरे कानों में भी जा रहा है या नहीं? असल में जब उस स्टैंड अप कॉमेडियन ने ये पंच कहा था, तब उसका मतलब यही था कि जो तुम कह रहे हो, क्या तुम उसे समझ पा रहे हो? ये एक प्रॉब्लम है जो आमतौर पर पब्लिक स्पीकिंग में होती है। स्पीकर जो बोल रहा होता है वो ऑडियंस ग्रैब नहीं करती। वजह? क्योंकि स्पीकर को खुद भी नहीं पता कि वो आइडिया क्या है जिसे वो पब्लिक को कम्युनिकेट करना चाहता है। जब आप हर दिन अपने आप से बात करते हैं, तो आपके आइडियाज धीरे धीरे क्लियर होते हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होते हैं। आप ये सोचते हैं कि अपने इस आइडिया को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट वर्ड्स कौन से होंगे। इसीलिए अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो दिन का आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें। जरूरी नहीं है कि यह आधा घंटा ऑफिस के टाइम का ही हो, आप चाहें तो रात में सोने से पहले इस काम को कर सकते हैं। सेकेंड ट्रेड सीक्रेट है कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ। दोस्तों, आपने देखा होगा आमतौर पर चेस प्लेयर्स अकेले चेस खेलना पसंद करते हैं, वो दोनों तरफ से चालें चलते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे सफल लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ का मतलब है जब आप अपने आप से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही पहलू पर बात ना करें, अपना एक दूसरा व्यक्तित्व बाहर निकालें और उसे अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करने दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आपको खाने में शुगर पसंद है, सो अपना एक अलग व्यक्तित्व निकालें जो आपसे ये क्वेश्चन करे कि अगर आपको शुगर पसंद है तो शुगर अनहेल्दी होती है, फिर भी तुम इसे क्यों खाना चाहते हो? और आपका व्यक्तित्व कहता है, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे पसंद है। और सामने वाला व्यक्तित्व कहता है, पर यह जानते हुए भी कि यह अनहेल्दी है तुम इसे खा रहे हो, इसका मतलब तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ करने का सबसे बड़ा फायदा आपको तब मिलता है जब आप ऑडियंस के क्वेश्चंस फेस करते हैं। आप जितनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस अपने व्यक्तित्व के अंदर इस्तेमाल करते हैं और खुद से बातें करते हुए कॉन्ट्राडिक्शंस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आती जाती है। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के गुड और बैड
प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके सामने क्लियर होता रहता है। जितनी ज्यादा आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर होती है, आपके ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट होने में उतनी ही आसानी होती है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी कभी खुद से बात कर रहे हों तो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट जरूर करें। इसके लिए किसी तीसरे आदमी की मदद ना लें। सो दोस्तों, ये था आज का सेशन जो कि पब्लिक स्पीकिंग पर रिलेटेड है। यहां पर आकर हम एक बार इस पूरे सेशन को समराइज करते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपको बात करनी है, उस सब्जेक्ट पर आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उस नॉलेज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तीसरा, प्रिपरेशन जरूरी है कि आप कैसी ऑडियंस को फेस करने जा रहे हैं और अपनी ऑडियंस के बारे में जानकारी। देन अगर आपको अपना पब्लिक स्पीकिंग का स्किल और सुधारना है तो आपको हर दिन खुद से बात करनी चाहिए और अपने आप से बात करते समय अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो भी नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, गाढ़े तजुर्बे का निचोड़ है। हमें उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने इस स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये ज़रूर बताएं कि इनमें से किस टेक्निक का इस्तेमाल आप आज तक करते आए हैं और वो कौन सी टेक्निक है जो इन सारी टेक्निक्स में से आपको सबसे फेवरेट लगी। साथ ही अगर किसी भी सब्जेक्ट पर आप थोड़ा और इनडेप्थ नॉलेज चाहते हैं या जीवन के किसी हिस्से के बारे में चाहते हैं कि हम एक नया वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।